ध्यान से सुनिए, आप तो बहुत ही विद्वान और समझदार पढ़े लोग मेरे सत्य साहिबान बैठे हुए हैं, एक ध्यान से सुनने पर। ओ दादा, ये बात ठीक भाई। दादा उरे ना। हां, के बात है? आज से ते का मैं दादा। ए लिखे छोरी ठाले फेरा पर दादा। छोरी ठावन हम भाई ते सोने नु की बोलत है। ओरे फेरा पर लिया जाता बड़ा सा फेरा भाई। हां तू भी करवा दिया करे फेरे। मैं दो मेल के करा करूं। मैं कौन से दादा? कच्चे और पक्के। मैं कच्चे कौन से हो से? कच्चे तो इनसे हो है। किसे दादा? बटे वो जानते मर जाओ, हमारी कोई जिम्मेवारी नहीं। आ दादा पक्के? पक्के इसे हो है, कहे बटे वो मर जाइयो, छोरी रांड नहीं होगी। ओ कबले बनी की सच्चे, अनके नादान होना।
दो चार संत मंजूर करवा दे और इसके ऊपर डांट मार देना पड़ेगा भी जरूर। बंदी को भेजकर राजा नंदपाल अपने पास बुलाती है और अपनी सर उसके सामने पेश करती है और आगे क्या होगा मेरे साहब। उसकी पहले दो चार साड़ी आती है और फिर बाद में राजा अनंतपाल ने अपने पास बुलाती। जीजा जी राम राम। राम राम कौन हो? ओ जीजा मंत्री साड़ी। इसे छोटे छोटे मुंह वाली और तो मेरी साड़ी हो? हाँ जी जा जी। और थारे में एक और बताओ जो कोड़ा है वो भी आवाज है नान दो के नमस्कार। ए दप्पो ए दप्पो ए दप्पो ए मत्र गुड़ खोड़ लिया पो भाई रो या जा बिनता बड़ी सी अरे बे मैं नुकू के दे बे नुका है उसके कमला के फेरे भी हो गए फेरे के बेटा भी होली में बे बता भी होली और वो तो गाड़ी बैठने वाली सही में देख ले मेरी बाबी ने मैं तो गीता पे भी नहीं बुलाई आए मैं गई थी रे आए तू पाई तो कोने में बे किस्ता कोट पर ही गई थी तू? मैं गई थी बेबे तो फारी में ओहो जब तो मैं बिटोड़ा में जा रही थी बेबे बिटोड़ा थे अरे इसर के में बिटोड़ा थे जा रही थी गाह में जी लाग गया कर मरा अच्छा बेबे हाँ आए हाँ मेरी बात सुन ले बेबे जिद्दे ने कि मैं सीखने सैकने दे ले तू कड़ा है रो और अब भीतर पौड़ी पर आराम कर रहे है भीतर पौड़ी पर सो बस है भीतर सो है पौड़ी में क्यों उसका मरी आई छोरी हरी है थकान चढ़ गई उसमें तूड़े की वाली चढ़ जाएगी ना कोने से डरे थे चल भी उस तरह मिलवा मैंने नहीं 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 हाँ मैं कोने से डरती कमला यार खड़ी रह दे देख ले मेरी भाभी किसी सौ कर शर्म भी नहीं आती नू भी नहीं मिलती आखन है हाँ ये ब्याह तो हमारा भी होया था ये बे बेनू मैं चपीरो मैंने तो मरकना की मां कही आवाज कर जाने बेटा उड़ी जाए इस पर बांध के खड़ा है बटे हुए मैं कह रहा कि बिच पोली में सो बस है यो है बटे हुए हाँ यो सने बे देख थोड़ी दिए थोड़ी के बाद है आए हाँ यो बटे हुए यो सने दे ओ ताऊ राम राम है हे भाई रे जी मेरे भैया के भाई तेरे धर्मनाथी रणजीत चुप कर बोल रहा है और कौन है ये कौन है राजीत जात है यो हाँ बड़ी नरसना गिरी हूँ कौन से काम कर रखी हूँ ब्याह तो मैं उड़े आकाशवाणी रोक तक में हाँ आए किस गले में बे ये वो भी मर लिया रणजी सब ने खपा ली सामने से आए हे भाई की इसी गर्मी में कड़े याद दिवा दिया आए क्या हो गया ऐसा हे बे याद वाली आने लग रही तो छाती पाटी हाँ आए आए तो पो इसने सीखने दे ले बे छोरिया ने कोने देने आए तुमने नहीं दिए हमने तो दे दिए तो देने थे ले मैं तो ऐसा सीखना दे दूं इसका चलवा टूटेगा इसाए दे ले इसाए दे ले ओ दे दूं थोड़ी ये लिमो बिना आ बन रहेगी बे लोग बिना ये तो दे ले रे बे ये दे ली हाँ जब बनले तू भूखा हो खिचड़ी रंधा ले जब बनले तू भूखा हो
खिचड़ी रे थाले जैसी खिचड़ी फीकी हो शक्कर घराले जैसी शक्कर सुखी हो गदी न मुदा सारी बात जान दे तेरे जीजा ना बढ़िया नाच दिखा दे जो पुराना नाच हड़ता रिया का अच्छा वो नाच दे तू जो देखे जब तेरा एट बाजिया करता मैं तो के का करते नो रहा मैं के का करते तू ये बता दे बे तू है बता दे तू बता बे के का करता हो के के जब इसका एट बाजिया करता ना तो बुड्ढे हो के पीते नु का करते ना तो फराने के नु का एट बाजिया सा भाई ए वा दिन तो तेरे भाई ये गेला गए के कर ए दौड़ी के दिन चिकने ना दिखा दे बिना आज के अच्छा खड़ा गया बटेरू वाले से उसकी क्या इतनी हिम्मत से बे बैठने की नाच के दिखा दे खड़ा है बच्चा हूँ ये मैं तू आराम करे बिस्तरे ये निपटती हम तो बना जैसे साथ बटे हुए होगा बटे हुए की कोतने मिल गई क्या माने कुंडल रहा था हाँ की की तो चलेगा हाँ पाँच लोग चल रहे हैं ए जी जा सेट है सुतरा बेबी चलने से बाली फड़कने से नारे Yeah.
रानी कमला बांदी को भेजकर राजा आनंद पाल अपने पास बुलाती है और अपनी सर्प उसके सामने पेश करती है। आगे क्या हुआ सर? बांदी महारानी नमस्कार। नमस्कार जी तेरा। देखिए बांदी के महाराज के मेरे पर ला कर दाओ। अभी 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 आती हूँ। महाराज नमस्कार। नमस्कार बांदी, क्या बात है? क्या बात है? देखिए महाराज, महारानी छोटी ने आपको मेरे केंद्र बुलाया है। छोटी रानी कमला ने याद किया हूँ अभी इसी वक्त महाराज। इतने जल्दी? पता नहीं क्या काम हो गया आपसे। पाँच मिनट तो फेराने में, इतनी बार में जल्दी बुला दिया जी? आप तो इतनी जल्दी बुला कर गया आपने। जाओ जल्दी। प्रणाम महाराज। प्रणाम प्रणाम रानी साहब। जी महाराज। मैं आपने क्यों बुलाया हूँ? देखिए महाराज, मैंने आप इसलिए बुलाया हो, मैंने आपके साथ शादी कर ली। अच्छा, यानी के फेरे ले लिए। ठीक, फिर मैं चल लूंगी। नहीं फिर सुनाइए। मैं तेरी गल्ला फेरे ले लिए, तेरी गल्ला ब्याह कर लिया, मैं जाऊंगी नहीं। ओहो, तेरी माँ ने खसम कर लिया, गलती कर छोड़ दिया सब। देखिए महाराज, सबसे पहले शर्त मेरी ये है, जो मेरे कुक से लड़का होगा वो दिल्ली का राजा होगा और कोई नहीं। ठीक है, तो सर तेरी मंजूर भी है और मानने वाली भी है। जो तेरी कुक से लड़का होगा और राज का हकदार पक्का होगा। हाँ। यानी क्या है, मेरी कुक से जो लड़का होगा राज का हकदार होगा। और जो इसकी कुक से हो गया पांच दिन तो पीपल पांच दिन आजकल तो सांप हो जाए तो पांच दिन। और महाराज दूसरी शर्त मेरी ये है, जितना भी हार श्रृंगार समरी पट्टी बेबे का सारा मन लिया के दे। जितना श्रृंगार अतरी बेबे का सारा तार का तेरे से सारा मेटी परा तू मनी चिकनी से देख ले, चिकनी से खुर्द ली सुन। ओ भाई एक बात बता, हमारा उसका श्रृंगार तने दे तू तार। हां सारा मन लिया के दे। जे मानेगी? जे मानू। और तीसरी शर्त मेरी ये है, मेरा जाते ही मेरी पट्टी बांध दी तो भाग देना पड़ेगा। ये गलत बात रानी साहब। नहीं महाराज, यू काम नहीं करूंगा मैं। श्रृंगार भी मिल जाएगा, जो तेरी खूबसूरत का होगा विराज का आधार होगा, फिर ये बात नहीं मानूंगा। देखिए महाराज, यही बात आपने माननी होगी। जो तेरी बड़ी बेबे है तूनू को चाहते तो भाग दे दू। हाँ। अरे पागल की बच्ची उल्लू की पट्टी, तेरी बड़ी बेबे, तेरी माया बरकी, अब तना जोड़ी करके मान के लेगी उसके बाद में नू लिखी दिया बेचारे दाम से भाग दे। ये कैसे माँ बरकी? मेरे तो खाती भी लगती बेबे जी, मेरी पल्ला ये मेरी अपना जो घर का काम करेगी, गोबर कूड़ा करेगी, सारा काम करेगी, तू भी चिंता करेगी। देखिए महाराज, ये बात मंजूर तो हो तो ठीक से, ना तो वैसा अपना चला था। तो मेरे सचिन साहिबान उन्हें तेरे हाथ पकड़ने के जाने तो आज देना पड़ेगा। राजा नंदपाल की लाठी भी बचाला जाना है, मजबूर होगा हाँ मर देता है। अच्छा रानी साहब नहीं मानेगी? नहीं महाराज, जाने तो आज दूं जाते है तो मुश्किल बात। मैं तेन उड़े समझा रहा रानी साहब, तू मान जा कोई बात नहीं, तेरी बड़ी बेबी है, तेरी माया पर गई है, सेवा करेगी। देखिए महाराज, उसका लड़का नहीं हुआ बेचारी, यही बात और की बात है। जो बात मैंने कही है ना, ये बिल्कुल साची कह रही हूँ मैं। करना पड़ेगा काम, करना पड़ेगा, जाते ही करना पड़ेगा। चल बिल्कुल दे दे की जबान करे। ना ना ना, आजकल के मन से कोई तबार नहीं रह गया। एक वचन दो वचन तीजा वचन पढ़ू तो तुम मिनट करो, ठीक है? बाची है ना? चल चल तब वो बन के ताल लूंगी। तो मेरे साहिबान, राजा नंद पाल कमला रानी का डोरा लेकर दिल्ली के दरवाजे पर आ जाता है। ओ बंदी,